नमस्कार दोस्तों, एस जे ट्रेडर्स की और एक वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने क्या किया। फ्रेंड्स, निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि अगर वो 17,762 का लेवल ब्रेक करेगा डाउन की साइड में, तो उसका पहला लेवल आएगा 17,720 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 17,670। तो आप यहाँ पर चेक करोगे 5 मिनट की चार्ट में, तो उसका ओपनिंग आज हुआ है 17,754 पे, आज उसका ओपनिंग हुआ है और उसने आज का लो मारा है करीबन 17,650 का लो मारा है। तो मैंने जो टारगेट दिया था डाउन की साइड में, वो दोनों टारगेट उसने आज अचीव कर लिया। आइए देखते हैं अब कल निफ्टी क्या कर सकती है। तो इसके लिए मैं 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ और इसमें एनालिसिस करते हैं कि कल यानी मंगलवार को निफ्टी क्या करेगी। तो इसके लिए पहले मैं फ्लैट जोन ड्रो कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, नो ट्रेडिंग जोन आज कल क्लोजिंग हुआ है 17,665 पे, उसका क्लोजिंग हुआ है। ये ले लेता हूँ, ओके, इसको मैं निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स। और ये हो गया हमारा फ्लैट जोन, यानी नो ट्रेडिंग जोन रहेगा हमारा ये कल के लिए। और अगर डाउन की साइड में फ्रेंड्स 17,650 ब्रेक करेगा, तो उसका पहला टारगेट डाउन की साइड में आ सकता है। डाउन की साइड में पहला टारगेट उसका आएगा 17,600 और दूसरा टारगेट डाउन की साइड में आएगा फ्रेंड्स उसका 17,550, ओके। और अपसाइड में अगर फ्रेंड्स उसने निफ्टी ने 17,712 निकाला, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है उसका अपसाइड में 17,780 और दूसरा टारगेट अपसाइड में उसका आ सकता है फ्रेंड्स 17,830। और अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं प्राइस एक्शन का बनने का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें ट्रेड लेना पड़ेगा, ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अब बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में अगर 5 मिनट की चार्ट में आप देखोगे, तो उसका ओपनिंग हुआ है 37,643 के पास उसका ओपनिंग हुआ है। और मैंने जो आपको टारगेट दिया था फर्स्ट लेवल 37,560 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 37,453। तो आज का लो मारा है उसने बैंक निफ्टी ने 37,524 के करीब उसका लो मारा है। तो हमारा पहला टारगेट तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में उसने अचीव कर लिया और दूसरा टारगेट हमारा अभी आया नहीं। तो देखते हैं कि कल क्या होगा। इससे पहले मैंने आपको अपसाइड में भी एक टारगेट दिया था कि अगर 37,825 ब्रेक करेगा, तो उसका पहला टारगेट अपसाइड में आएगा 37,930। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो उसने अपसाइड में भी फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया और डाउन साइड में भी उसने फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया। तो ये देखते हैं अब कल एनपी क्या कर सकती है। तो इसके लिए हम 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं और यहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि कल क्या होगा। उसका क्लोजिंग हुआ है 37,613 पे, उसका क्लोजिंग हुआ है। और कल अगर बैंक निफ्टी 37,570 ब्रेक करेगा डाउन की साइड में, तो उसका पहला टारगेट आएगा हमारा 37,450 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स, ये जो गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है, जिसका टारगेट आएगा 37,200। बहुत लंबा टारगेट है ये, हो सकता है यहाँ पे कहीं पे थोड़ा रुक भी जाए। कहाँ पे? इस लेवल पे, जिसका लेवल आएगा उसका 37,350। डाउन की साइड में 3 टारगेट है 37,450, 37,350 और तीसरा टारगेट रहेगा 37,200। और अपसाइड में फ्रेंड्स 37,660 ब्रेक करेगा, तो उसका पहला टारगेट अपसाइड में फ्रेंड्स आ सकता है उसका पहला टारगेट आएगा, मैं नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ कर लेता हूं पहले, ये वाला रहेगा हमारा नो ट्रेडिंग जोन।
और अपसाइड में पहला टारगेट आएगा 37,800 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स अपसाइड के अंदर, इसको निकाल लेता हूं मैं। फ्रेंड्स ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी के लेवल्स टुमारो के लिए यानी मंगलवार के लिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।